नमस्कार दोस्तों, कनाडा की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रही हैं आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात हम करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम पे क्या लेटेस्ट अपडेट है। आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है करंटली कनाडा, चाहे वो स्टडी वीजा है चाहे विस्टर वीजा है। विस्टर वीजे के 29-30 दिन वो कह रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा ले रहे हैं। जो रिसेंटली हमारे पास वीजा है टूरिस्ट वीजे का, होटल बुकिंग पे था, उसका वीजा 22 सितंबर को फाइल लगी थी, अभी परसों ही उसका वीजा है। तो आप मान के चलो कि 1 महीने से 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद उसका वीजा है। इवन उसके जो बायोमेट्रिक पहले से ही डन थे, ठीक है, तो उसका फर्स्ट डे से ही प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट था। तो करंटली लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? आपको पता है कि जो रिसेंटली इमिग्रेशन का जो उन्होंने अनाउंस किया है 23-26 तक, तो उसमें क्या चीज़ बोली है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको नॉर्मली दिख जाएगा एट द कैलेंडर ईयर। इसी साल के लास्ट तक प्रोसेसिंग टाइम वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देंगे। मतलब क्या है कि वो प्रोसेसिंग टाइम को जितना वो पहले होता था ना, कि लाइक एसजीएस कैटेगरी 25 दिनों में, नॉन एसजीएस कैटेगरी 45 दिन में, तो वो कहने की बात थी। बट पहले क्या था कि 10 दिन तो किसी की एप्लीकेशन में लगते नहीं थे, रिजल्ट आ जाता था। टूरिस्ट वीजे का भी यही सेम तरीका था, 15-20 दिन में रिजल्ट नॉर्मल था कि हर एप्लीकेशन में आ जाता था। तो बट करंटली इसी चीज का रिलीफ हमें प्रोसेसिंग टाइम का इस साल के आखिर तक हमें देखने को मिल जाएगा। अभी भी करंटली मैं कहूंगा कि प्रोसेसिंग टाइम में वो ना तो हाई हो रहा है ना ही रिड्यूस कर रहे हैं, जस्ट जितना है उतना चल ही रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मेन चीज यही है कि अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा लग रहा है। सो दैट इज वाई आपने क्या करना है, अपने अपना अगर आपने फाइल लगानी है तो इनटेक या फिर आपकी टारगेट डेट इन द टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन या फिर आपका इनटेक स्टडी परमिट का, आपने वो वाइसली चूज करना है ताकि आपके पास इनफ टाइम हो फॉर पासपोर्ट स्टैंपिंग, फॉर योर पैकिंग, फॉर टिकट्स, ठीक है, आपके पास इनफ टाइम हो। फर्दर जो अपडेट्स है वीजा ट्रेंड को लेके है, वीजा ट्रेंड वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, रिसेंट वाली फाइल्स में। वीजा ट्रेंड मैं कहूंगा कि यार मैंने आज जितना अच्छा करंटली ट्रेंड आज चल रहा है इससे पहले आई डिडंट एक्सपीरियंस इट, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया इतना अच्छा ट्रेंड, क्योंकि होटल बुकिंग पे फ्रेश पासपोर्ट फी वीजा आप मार सकते हो कितना, सिर्फ 10,000 एम्बेसी फीस होगी उसकी, तो और उसका जो है हमारा होटल का चार्जेस हो गए, ठीक है, फ्लाइट आइटनरी होगी। तो यही चीज है कि इतने कम पैसों में आपका होटल का टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग पे आ रहा है। तो मेन चीज है कि करंटली जो वीजा ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है। स्टडी परमिट के मामले में लगा लो, अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से लग रही है, आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे वे में हो रही है, तो आपका जो वीजा है 100% आएगा। मतलब यही है कि आप चाहे कोई भी प्रोग्राम चूज कर रहे हो उसके पीछे की एक एक्सप्लेनेशन दो, आपका ये प्रोग्राम कैसे आपको बेनिफिट करेगा इन केस ऑफ द फ्यूचर, जब आप इंडिया में होंगे कौन सी जॉब मिलेगी, आप 25-30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट का कब फायदा मिलेगा, आप जब इंडिया में आओगे आपको ऐसी कौन सी जॉब मिलेगी, जब कितने टाइम में आप ये इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लोगे। सिमिलरली टूरिस्ट विजिटर वीजा हो गया, चाहे आपका स्पॉन्सरशिप है चाहे आपका होटल बुकिंग पे है, करंटली वीजा ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस चीज का दावा मैं नहीं कर रहा है, आप किसी भी कंसल्टेंट को देख लीजिए या फिर किसी भी आप जो है देख सकते हो जिनके वीजा आ रहे हो उनकी प्रोफाइल्स देख रहे हो, क्योंकि करंटली जो कॉम्प्लिकेटेड फाइल्स होती हैं या फिर फ्रेश पासपोर्ट्स होते हैं बिल्कुल इजीली वीजा आ रहे हैं। सो आप भी इस मौके का फायदा उठा के इसमें अपना बेनिफिट ले सकते हो, वीजा अप्लाई करवा सकते हो। बस तो मेन चीज यही है कि ऐसा हम ब्लाइंडली नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि उनकी भी फिर भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। स्टडी परमिट है, अगर आप प्रोग्राम, तो आपको पता है कि कैनेडा स्ट्रिक्ट होता है प्रोग्राम सिलेक्शन में, आप आज प्रोग्राम चूज कर रहे हो तो आप ना प्रोग्राम वाइसली चूज करो, आप जो प्रोग्राम चूज कर रहे हो रेलिवेंट तो आप ले रहे हो, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने बीकॉम किया है तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, रेलिवेंट तो हो गया बट ये सुपीरियर नहीं है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ोगे वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, तो वहां पे वीजा ऑफिसर तो क्वेश्चन रेस करेगी नहीं कि जो उसी सब्जेक्ट्स पे दोबारा पैसे लगाने जा रहा है एप्लीकेंट जो सब्जेक्ट्स इसने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो सिमिलरली होटल बुकिंग पे लगा लो, आज आप फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख फंड शो कर दिया और आप जो है कनाडा घूमने जा रहे हो, आपको बजट भी तो देखना होता है ना, हम ब्लाइंडली थोड़ी अप्लाई करते हैं, बजट बनता है आपका 3-4 लाख का खर्च आ जाता है, टिकट्स का खर्च आता है, ठीक है, होटल अकोमोडेशन फूड टैक्सी वगैरह का खर्च आता है, टोटल 4-5 लाख आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो टूरिस्ट वीजा हो गया चाहे आपको इन्वाइट किया गया है तो उसमें आपकी तरह खर्चा तो आएगी ना,
तो दैट इज वाई आपको फंड्स जो है वाइजली शो करने पड़ते हैं, आईटीआर से मिलते हुए शो करने पड़ते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आईटीआर 2-3 लाख की है, फंड आप 25-30 लाख शो कर रहे हो, तो वो चीज वहां पे क्वेश्चन रेज करती है। सो दैट इज वाई आप जो कंसल्टेंट है वो वाइसली चूज करो, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात क्या, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको वो अच्छी तरीके से गाइड कर पाए, कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी करो फिर फाइल लगाओ फिर वीजा का आएगा, क्योंकि करंटली ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। सो लेटेस्ट अपडेट यही है कि प्रोसेसिंग टाइम चाहे हाई जरूर है बट वीजा ट्रेंड बहुत अच्छा है। अब तो वही बात दुखती है ना, कोई बात नहीं 2-3 दिन लेट आ जाए बट वीजा आए, वीजा आएगा बट वो लेट आएगा। सो मतलब यही है करंटली। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, आप का कोई क्वेश्चन है क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई फाइल असेसमेंट की जरा चाहिए, मेरे से आप असेसमेंट लेना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट लेके कॉल भी कर सकते हो। एंड आप नीचे जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल एसओपी वगैरह सारी शेयर कर सकते हो, तो वो मैं असेस करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।